हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की सेकंड क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पिछले फर्स्ट लेसन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन क्लास लेना क्यों आवश्यक होता है। अब आज और उसमें फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि परमाणु क्या होते हैं, परमाणु के बारे में डाल्टन ने हमें क्या क्या बताया था। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट जो परमाणु होते हैं उनके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, परमाणु को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको परमाणु को प्रदर्शन करना बता देता हूँ कि परमाणु का प्रदर्शन किस तरह से होता है। तो बेटा, परमाणु का प्रदर्शन यानी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ये कोई भी तत्व का सिंबल होता है जिसको मैंने एक्स मान लिया है और यहाँ उसका जेड यानी परमाणु क्रमांक लिखा होता है, और यहाँ या यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको एक्स जेड ए। यहाँ जेड तो क्या होता है, जेड बराबर होता है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परमाणु क्रमांक। ठीक है, और इंग्लिश में ए को क्या बोला जाता है, एटॉमिक वेट यानी द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। ठीक है, तो किसी भी परमाणु, जैसे आप सोडियम को ले लेते हैं, तो सोडियम को कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम का प्रदर्शन सब जानते होंगे कि हम सोडियम का प्रदर्शन करते हैं, यहाँ 11 लिखते हैं, यहाँ 23 लिखते हैं। ऐसे यूरेनियम के परमाणु को कैसे लिखा जाता है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92 और परमाणु द्रव्यमान होता है 235। ये द्रव्यमान संख्या इधर भी लिखा जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। अब जब भी आपके सामने क्या होगा, परमाणु लिखा हुआ आएगा और उस लिखे हुए परमाणु से आपको परमाणु क्रमांक का पता लगाना होता है और द्रव्यमान संख्या का पता लगाना है। तो ऐसे आप किसी भी परमाणु को प्रदर्शित कर सकते हैं और उसके द्रव्यमान संख्या पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि हमको जब चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें इम्पोर्टेंट परमाणुओं के द्रव्यमान संख्या भी पता होनी चाहिए और परमाणु क्रमांक भी पता होने चाहिए। तो उनको ले लेते हैं हम। तो अब हम यहां उठा लेते हैं किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमको। एक तो परमाणु प्रतीक, ठीक है, फिर उसका परमाणु क्रमांक, क्रमांक और उसका द्रव्यमान संख्या हमें पता होना। परमाणु क्रमांक मतलब जेड, द्रव्यमान संख्या का मीनिंग होता है ए। तो ये तीन चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी। और ये कैसे लिखते हैं आप, जैसे सबसे पहला परमाणु हाइड्रोजन होता है, इसका नंबर एक होता है, द्रव्यमान भी इसका एक होता है। हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, द्रव्यमान संख्या होती है 4। हीलियम के बाद लिथियम आता है 3 और लगभग इसका द्रव्यमान संख्या होती है 7। बेरिलियम 4, द्रव्यमान संख्या लगभग 8। बोरॉन 5, द्रव्यमान संख्या 10।
मुख्यतः तो परमाणु क्रमांक का डब ये कोई जरूरी नहीं है कि डबल ही हो, लेकिन ज्यादातर केस में डबल होता है। ठीक है, कहीं कहीं डबल नहीं भी होता, तो आप ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं ले बनाए कि भाई इसको डबल करना होता है, नहीं ये कोई कंसेप्ट नहीं है। कार्बन का जैसे 6 या 12, देखो ज्यादातर केस में डबल ही हो रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। नाइट्रोजन का 7, द्रव्यमान संख्या 14। ऑक्सीजन का 8, द्रव्यमान संख्या 16। फ्लोरीन का 9, द्रव्यमान संख्या 18। ठीक है, तो इनको आप एक बार कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैं अब आगे भी लिखता हूँ, अब इनको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आपने वीडियो रोक के भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो फिर से आ जाते हैं हम, फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? फिर से आ जाते हैं, फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, नंबर 10, द्रव्यमान संख्या 20। नियॉन के बाद सोडियम, अभी आपको बताया था 11 नंबर होता है, 23 द्रव्यमान संख्या होती है। मैग्नीशियम 12 परमाणु क्रमांक होता है, द्रव्यमान संख्या 24 होती है। एल्यूमिनियम 24 होता है, परमाणु क्रमांक 13 होता है, द्रव्यमान संख्या 27 होती है। द्रव्यमान संख्या पॉइंटों में भी होती है, समस्थानिकों में औसत द्रव्यमान संख्या काम में ली जाती है। सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है 14 नंबर और 28 इसका द्रव्यमान संख्या। फास्फोरस का, जो जनरली फास्फोरस का 15 होता है, लेकिन औसत द्रव्यमान में आपको बता रहा हूँ 31.5 काम में लिया जाता है। तो सल्फर का 16 और 32 द्रव्यमान संख्या काम में ली जाती है। ठीक है, अब हम 16 के बाद फिर से हम एक बार देख लेते हैं, तो इनको आप कॉपी करने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने का तरीका यह है कि वीडियो को रोकें, फिर कॉपी करें, फिर आगे देखें। ठीक है, अब देखिए आगे, सल्फर के बाद आता है क्लोरीन, 17 नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या 35.5 काम में ली जाती है। आर्गन, आर्गन का 2 समस्थानिक पॉपुलर है आर्गन के, द्रव्यमान संख्या 18, ये 36 भी होता है और 40 भी होता है, लेकिन ज़्यादातर 36 ही काम में लिया जाता है 2 समस्थानिकों में। उसके बाद पोटेशियम 19 होता है और इसका 39 काम में लिया जाता है द्रव्यमान संख्या। कैल्शियम, कैल्शियम का 20 होता है, द्रव्यमान संख्या 40 काम में ली जाती है। फिर उसके बाद ज़्यादा जो पॉपुलर है वो काम में आते हैं, उनको ही लिखा रहा हूँ मैं, सबको नहीं लिखा रहा। क्रोमियम काम में आता है, जिसका होता है 24 परमाणु क्रमांक और 52 इसका द्रव्यमान संख्या होता है। फिर इसके बाद आयरन काम में आता है, तो आयरन का होता है 26 और द्रव्यमान संख्या इसकी 56 काम में ली जाती है। फिर होता है इसके बाद कॉपर, जिसको आप याद रखेंगे, इसका 29 नंबर होता है और 63.5 इसका द्रव्यमान संख्या काम कंसीडर किया जाता है। जिंक का भी काम में आता है, 30 नंबर होता है और 65 इसका द्रव्यमान काउंट किया जाता है। तो ये सम पॉपुलर पॉपुलर द्रव्यमान संख्याएं थी, जो आगे अगर आप सबकी देखना चाहते हैं
तो नाइन्थ क्लास के अंदर पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी वाला टॉपिक है उसमें सभी के द्रव्यमान संख्याएं आपको दी गई है। अब ये जो परमाणु में पॉइंटों में बता रहा हूँ ये बेटा औसत परमाणु द्रव्यमान है। जब समस्थानिक होते हैं तो समस्थानिकों की आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि समस्थानिक वे एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है आइसोटॉप या समस्थानिक कहलाते हैं। और जब हम समस्थानिक हमारे प्रकृति में एक ही तत्व के दो परमाणु अवेलेबल होते हैं तो हम कौन सा द्रव्यमान किसका द्रव्यमान काम में ले तो उसकी जगह हम औसत परमाणु द्रव्यमान काम में लेते हैं। और औसत परमाणु द्रव्यमान भी निकालने का एक सूत्र होता है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। ठीक है, परमाणु की यूनिट क्या है, परमाणु को कैसे बताया जाता है तो इसका डिस्कशन हम बाद में करने वाले हैं। अभी मैं केवल आपको परमाणु द्रव्यमान प्रतिशत संगठन निकालने में काम आने वाले थे इसलिए आपको थोड़ा नॉलेज मैंने परमाणु द्रव्यमान की दी है। ठीक है, तो ये परमाणु द्रव्यमान के बाद अब हम थोड़ा सा टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा परमाणु द्रव्यमान एक बेसिक जानकारी थी कि हमको चैप्टर केमिस्ट्री की शुरुआत करने के लिए पहले परमाणु द्रव्यमान की थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है तो मैंने वो आपको प्रोवाइड करा दी है। अब हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक एक जो रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा है उसका पहला टॉपिक ही हम लेने जा रहे हैं, टॉपिक नंबर 1। ठीक है, और ये टॉपिक नंबर 1 का नाम क्या है, पदार्थ के रासायनिक पदार्थ के रासायनिक नाम से सूत्र निर्माण करना, ये हमारा पहला टॉपिक आ जाता है। रासायनिक नाम से सूत्र का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बेटा जैसे मैं आपको बोलता हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या सूत्र लिखोगे आप? कुछ लिखेंगे AlSO4, कुछ लिखेंगे Al2SO4। एग्जैक्टली जो सूत्र होता है वो होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। अब ये हमको कैसे पता लगा कि इसका ये ही सूत्र है एल्यूमिनियम सल्फेट का? ठीक है, जैसे मैं कहूँ फेरस ऑक्जलेट तो उसका क्या सूत्र होगा? ठीक है, तो यहाँ आपको किसी भी रासायनिक नाम से सूत्र निर्माण करना है। जैसे आप अपने फर्स्ट चैप्टर का की एक्सरसाइज को अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन इस तरह से बन रहा है कि रासायनिक नाम लिखा हुआ है और अणुभार की गणना करा रहा है। तो अणुभार की गणना तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हमें पहले उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना आएगा। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना सीखें? ठीक है, तो यहाँ हम रुकते हैं कि पहले हम ये सीखते हैं कि अब मैं ये पूछ लेता हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट का अणुभार बताओ। आप अगर सूत्र ही गलत लिखोगे तो अणुभार तो गलत बताओगे, तो पहले हमें सूत्र लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो सूत्र लिखने के लिए क्या स्ट्रेटर्जी काम में लेनी है, रणनीति क्या काम में लेनी है, तो मैं पहले वो सिखाता हूँ। जैसे देखो बेटा, आपने मैंने दिया था एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, ये दिया था मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, अब इस एल्यूमिनियम सल्फेट से हमें सूत्र लिखना है। ओके, कैसे लिखें? तो सूत्र लिखने के लिए आप सीखो
कि सबसे पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, और सल्फेट का भी आपको सिंबल पता होना चाहिए SO4। लिख दिया, इनकी संयोजकता को ऊपर दिखा लो, जैसे SO4 की संयोजकता होती है -2 और एल्यूमिनियम की +3। ठीक है, अब ये चार्जों पर ध्यान दो कि इस पर +3 है, इस पर -2 है, तो मामला सही नहीं है, बराबर होना चाहिए। जितना धनावेश होना चाहिए उतना ही ऋणावेश भी होना चाहिए। तो आप क्या करें, तो इसके लिए आप इसके जो गुणांक है धनायन उसको इससे गुणा कर लो, ठीक है, और इसका जो चार्ज है उसको इससे गुणा कर लो। अब देखो 4 2 3 6 यानी कितना हुआ टोटल +6, और इधर 3 2 6 इधर हो गया -6, तो ये क्या है इक्वल है, इक्वल है। अब मतलब मामला सही है। तो चार्ज सबसे पहले हमको क्या करना होता है, रासायनिक नाम के धन पहले वाले भाग और दूसरे ऋणायनिक भाग के सिंबल लिखने पड़ते हैं, फिर उसके बाद चार्ज को बैलेंस करना पड़ता है। दो बात हो गई, तीसरी बात, अब इस धनायन का संख्या कितना है, ये जो आगे का गुणांक है ये ही संख्या है, और इसकी संख्या कितनी है 3। ठीक बात, तो इनका रेशियो ले लो 2:3। अब इनका जो सिंबल है एल्यूमिनियम के नीचे लगा दो 2 और सल्फेट के नीचे लगा दो 3। ठीक है, या एक मैं आपको डायरेक्ट और बता देता हूँ, जो ऋणायन की संयोजकता होती है उसको धनायन के नीचे लिख दो, और जो धनायन की संयोजकता होती है उसको ऋणायन के नीचे लिख दो, ये आपका सूत्र बन जाएगा। ओके, क्लियर, बहुत सरल बात थी। तो अब जैसे मैं आपको बोलूंगा कि बेटा अब सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखना जरा, तो तुम सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कैसे लिखोगे, ध्यान दे, इसको मिटा देता हूं। तो तुमको मैंने पूछा कि बेटा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखना है, अब बहुत सारे स्टूडेंट को तो पहले से आता है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र तुमको याद है, याद नहीं, जैसे तरीका था वैसे, तो तरीका था इसको दो भाग में कर लिया, सोडियम और कार्बोनेट, तो ये तो हो गया धनायन भाग का नाम और ये हो गया ऋणायनिक भाग का नाम। अब सोडियम के नीचे क्या लिखेंगे, सोडियम का सिंबल होता है Na, कार्बोनेट का होता है CO3-2। क्लियर, सोडियम की संयोजकता सोडियम पहले वर्ग में आता है इसलिए +1। अब देखो डायरेक्ट ही आ जाते हैं, मैंने बताया था धनायन की संयोजकता को ऋणायन के नीचे, ऋणायन की संयोजकता को धनायन के नीचे, या गुणा कर लो इसको 2 से, तो इसको कितने से गुणा करेंगे 1 से, रेशियो क्या आया 2:1, तो सूत्र क्या हुआ Na2CO3 का रेशो कितना है 1, तो पूरा सूत्र हो गया Na2CO, 1 को लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए हम लिख सकते हैं सीधे ही Na2CO3 आ गया, यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता है। तो ये तो तुम कहोगे साहब सोडियम कार्बोनेट का तो पता था हमको, तो अब मैं जैसे आपको बोल देता हूँ बेटा फेरिक ऑक्सलेट का सूत्र क्या होगा, किसका, या फेरस फास्फेट, फेरस फास्फेट। अब एक होता है फेरिक और एक होता है फेरस। फेरस का मतलब होता है जब आयरन की 2 संयोजकता होती है तो हम उसमें बोलते हैं फेरस, और जब आयरन की 3 संयोजकता होती है तो हम बोलते हैं फेरिक। इक कब लगता है, हायर वैलेंसी पर,
और अस कब लगता है? लोअर वैलेंसी पर। अब तुम कहोगे साहब हमको तो ये जानकारी नहीं है कि धनायन का क्या संयोजकता होती है, फास्फेट की को कैसे लिखते हैं, तो ये तो हमको पता ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं ऋणायन और धनायन जिन मूलकों के नाम आपको सूत्र सहित याद करने हैं, फिर आप किसी का भी सूत्र आसानी से बना पाने में सक्षम हो जाओगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला फेरस फास्फेट, तो अभी तो मैं ही बता देता हूँ आपको कि फेरस का जो सूत्र होता है वो होता है Fe+2, और फास्फेट को हम लिखते हैं PO4-3। तो सूत्र अब मैंने कहा इसकी बेलें, तो सूत्र क्या बनेगा? फेरस के नीचे 3 और फास्फेट के नीचे 2 लगा देंगे, ये हो गया फेरस फास्फेट। कॉपी करवा देते हैं। हेलो, तो अब देखिए इन नामों को से हमको क्या हेल्प मिलने वाली है, और सूत्रों पर पहुंचने के लिए हमको ऋण मूलक और धन मूलकों के नाम भी पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम उसके अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि बेटा मूलकों के नाम हम कैसे याद करें, किनको याद करें, और फिर ये रासायनिक नाम से हमें क्या मदद, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो बेटा अभी क्या है कि इसमें आधे घंटे की ही क्लास डाउनलोड हो पाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जैसे ही दूंगा आप सीखोगे उस चीज़ को भी। दूसरी बात ये है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि 10वीं क्लास से 11वीं में आने वाले बच्चे हर जगह पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, तो आप भी इस वीडियो से अपने मित्रों को भी बताओ कि वीडियो कक्षाएं सरस्वती विद्या विहार ने शुरू कर दी हैं। थैंक यू।